अब क्या वो बच्चे को गोद में लेके घर वापस आएगी? और ये कौन सी दवा दी है डॉक्टर ने उसे कि यहां नहीं खाई जा सकती, मां के घर जाके खाई जा सकती है? बहुत हो गया, तुम जाओ और जाके उसे अभी के अभी लेकर वापस आओ। देखो मोहसिन, अब मेरी ना इन हड्डियों में दम नहीं रहा ये सारे घर के काम काज करने का। अरे नीलो बेचारी सारा दिन लगी रहती है, और जोया जोया से नहीं अब होंगे ये काम काज करके? ठीक है, अगर जोया से काम नहीं होते तो उसकी तो मुलाजमा भी है ना, वो कर देगी। अच्छा, जोया की जो मुलाजमा है ना वो उसके काम करेगी, हमारे काम क्यों करने लगी वो? अम्मी, साइमा इलाज करवा रही है, उसे करवा लेने दें। मोहसिन एक बात बता, अरे ये अचानक से उसे इलाज कराने की क्या सूझी? अम्मी, साइमा को इल्जाम ना दे, वो तो आप लोगों के ताने सुन सुनकर औलाद नहीं हो रही, इतनी दिल बर्दाश्त हो गई है कि सब शिद्दत से एहसास होने लगा है। और आप लोग भी तो हर वक्त उसको जोया से कंपेयर करते रहते हैं, कितना बर्दाश्त करेगी, कितना जब्त करेगी? एक बात कहूं, शायद आपको बुरा लगे इसीलिए पहले से सॉरी कह रहा हूं, अच्छा मुझे भी नहीं लगता, तकलीफ होती। अरे मोहसिन, मैंने तो जो कुछ भी उसे कहा ना उसकी भलाई के लिए कहा है, उसे बुरा लग गया तो मैं क्या कर सकती हूँ? और वैसे भी बेटा देखो, ये औलाद का होना ना होना तो सब ऊपर वाले के अख्तियार में है ना, वो जिसे चाहे औलाद दे। और तू क्या समझता है, क्या तेरे लिए मैं दुआ नहीं करती? तेरे लिए हमेशा दुआ मांगती हूँ। अरे मेरा तो दिल तड़पता है तेरी औलाद की शक्ल देखने के लिए। माँ हूं ना, क्या तेरे लिए दुआ नहीं करूंगी? साहब इसी तरह से दुआ कीजिए, सब ठीक हो जाए। जी सर, अल्लाह तुझे औलाद की नेमत से नवाज़े। आमीन।